सबसे प्रसिद्ध जगदीश चौक पर हुए पोस्टर वार के बाद में एक नया मोड़ आ गया, जब लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को जानकारी मिली कि उनका एक पोस्टर चौक की एक छत पर लगा है जिसमें उनको भगवान जगन्नाथ से बड़ा दर्शाया गया है, तो उन्होंने तुरंत उस पोस्टर को हटाने के आदेश दिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी का एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था और उसी पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का पोस्टर लगा दिया जिससे विवाद बढ़ गया। दरअसल हाल ही पैलेस में हेमेंद्र पुजारी नाम के शख्स की एक दुकान स्वीकृत हुई है और उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए यह पोस्टर जबरन जगदीश चौक पर लगा दिया। इसकी जानकारी पैलेस प्रबंधन को नहीं थी। जब विवाद हुआ और महाराज कुमार तक ही यह बात पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसे हटवाने का आदेश दिया, साथ ही कहा कि भगवान जगन्नाथ स्वामी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जगदीश चौक में एक बिल्डिंग के ऊपर जगन्नाथ स्वामी का एक बड़ा सा पोस्टर लगा था विशाल यह यात्रा के संबंध में। तो आज पुजारी जी हैं हमारे हेमेंद्र जी पुजारी, वो आए और उन्होंने आकर के लक्ष्यराज जी का वहाँ पे उस पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगा दिया। तो हमने उनको बोला कि जगन्नाथ स्वामी के पोस्टर के ऊपर आप पोस्टर ना लगाएं, और दो तीन दूसरी जगह भी बता दी कि वहाँ लगा दें, पर उन्होंने अपना ईगो बना लिया। उस समय तो उन्होंने उस पोस्टर को हटा दिया और जगन्नाथ स्वामी का रहने दिया। तो उनकी क्योंकि स्वयं की दुकान है पैलेस के अंदर, तो उन्होंने बाबूजी राज की नज़र में अच्छा बनने के लिए उस पोस्टर को रात को कुछ लोगों को लेके आए, 5-15 लोगों को, जबरन उसको बिल्डिंग को ऊपर चढ़कर पोस्टर पुनः लगा दिया और बिल्डिंग को लॉक करके चाबी ले गए। उसके बाद जब सब पब्लिक रुद्र हुई, आक्रोशित हुई, क्षेत्रवासियों ने सब ने मिलकर उसका विरोध किया, तो फिर वो पैलेस तक बात पहुंची। फिर पैलेस से कुछ लोग आए, उनको मैंने पूरा नॉलेज में डाले, ऐसी ऐसी बात हुई है, जिसमें हंसा इंद्र सिंह जी, गोपाल जी, ये सब जने आए थे पैलेस से, इनकी नॉलेज में जब ये बात डाली गई तो उन्होंने बाबूजी राज के पास ये बात पहुंचाई तो उन्होंने तुरंत कहा कि जगन्नाथ स्वामी से बढ़कर मैं नहीं हूँ और जगन्नाथ स्वामी का ही पोस्टर वहाँ रहना चाहिए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से पैलेस से कुछ लोग को भेजा और पोस्टर उतरवाया उनका और जगन्नाथ स्वामी का पुनः वहाँ पर लगवा दिया। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, तो उन्होंने इतना बड़प्पन रखा